अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मैसेज है गीबत नहीं करनी। बच्चों क्या मैसेज है? गीबत नहीं करनी। मैथ क्लास नर्सरी जूनियर पेज नंबर 13 डिजिट है हमारा 3। टॉपिक है काउंटिंग राइटिंग एंड कलरिंग। क्या टॉपिक है? काउंटिंग राइटिंग एंड कलरिंग। तो बच्चों देखते हैं हमारे पेज नंबर 13 में क्या बना हुआ है। यहाँ तो टर्टल्स हैं। क्या है? टर्टल्स। क्या है? टर्टल्स। जी हाँ बच्चों, टर्टल्स कहाँ रहते हैं? पानी में। कहाँ रहते हैं? पानी में। शाबाश। टर्टल कहाँ रहते हैं? पानी में। तो मेरे साथ काउंट करें बच्चों, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। कितने टर्टल है हमारे पास? 3। शाबाश। कितने टर्टल है? 3 टर्टल्स। कितने टर्टल्स हैं? 3 टर्टल्स। 3 टर्टल्स। चले मेरे साथ फिर काउंट करें, 1, 2, 3। फिर काउंट करें, 1, 2, 3, 1, 2, 3। कितने टर्टल्स हैं? 3। कितने टर्टल्स हैं? 3। शाबाश। काउंट करें फिर एक दफा, 1, 2, 3, 1। शाबाश, 1, 2, 3। कितने टर्टल्स हैं? 3 टर्टल्स। शाबाश। आपको आ गया बच्चों, कितने हमने काउंट किए टर्टल्स? जी हाँ, 3 टर्टल्स हैं हमारे पास। बच्चों टर्टल्स कहाँ रहते हैं जल्दी बताओ? जी हाँ, पानी में होते हैं। खुश्की पर भी चलते हैं, पानी में भी होते हैं। चले आप पेंसिल पकड़े हाथ में और 3 को लिखना सीखते हैं कि 3 कैसे लिखा जाता है। शाबाश, जल्दी करें, पेंसिल हाथ में पकड़ें। ये जो रेड डॉट है आपने इसके ऊपर पेंसिल को रखना है। इस तरह आपने डॉट्स को जॉइंट करते जाना है बिल्कुल ऐसे गोल। फिर आपने नीचे को ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। इस तरह आपका 3 मुकम्मल हो गया है। शाबाश, लिखते जाए ऐसे, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। शाबाश, आपने 7 टाइम भी लिख सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे आप 3 टाइम भी लिख सकते हैं, 5 टाइम भी लिखना आपने जरूर है। शाबाश, वेरी गुड। जितना आपको दिल चाह रहा है कि आप लिखना चाह रहे हैं आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका 3 प्यारा प्यारा लिखा जाएगा। अब हम कॉलम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, आप अपनी बुक पे देखें। शाबाश। तो बच्चों आपको ये सारे डॉट लगे हुए नज़र आ रहे होंगे बुक के ऊपर। आपने इस डॉट के ऊपर पेंसिल को रखना है ऐसे बिल्कुल गोल करके, इसको 3 लिखना है। शाबाश, ऐसे गोल लिखना है पहले से, जैसे आप सी उल्टा लिख दें और इस तरह
ऐसे थ्री, शाबाश। आपने ऐसे लिखते जाना है। ये आपकी ट्रेसन की हुई बुक है, नीचे ट्रेसन हुई हुई है और आपने ऊपर लिखते जाना है। ये आपने डॉट के ऊपर रखना है, शाबाश। आपने थ्री लिखना है, वेरी गुड बच्चों। आपने प्यारा प्यारा करके थ्री लिखना है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत प्यारा लिख रहे हैं आप, शाबाश। ये हमारा पहला यानी मुकम्मल होगी लाइन। अब हम दूसरी लाइन की तरफ आते हैं, शाबाश थ्री। साथ आपने पढ़ते भी जाना है, क्या राइट करें, थ्री ऐसे डॉट पे रखने हैं पेंसिल को और आपने इस तरह थ्री राइट करते जाना है, वेरी गुड। आपने प्यारा प्यारा ऐसे कॉलम में लिखना है क्योंकि डॉट्स कॉलम में लगे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल आगे पीछे करके नहीं लिखना, ना इधर लिखना है ना इधर। आपने जिधर डॉट लगा हुआ है इसके ऊपर पेंसिल को रखना है और आपने थ्री राइट करना है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इस तरह हमारी दूसरी लाइन मुकम्मल होगी। अब हम तीसरी लाइन की तरफ आते हैं, यहाँ पे भी डॉट नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल ठीक, आपने ऐसे थ्री लिखना है, शाबाश, ऐसे, वेरी गुड। ऐसे आपने डॉट के ऊपर रख के ऐसे गोल करके फिर नीचे से ऐसे दोबारा से पेंसिल को उठाना नहीं है, फिर ऐसे थ्री, शाबाश। ऐसे आपने तीसरी लाइन में मुकम्मल कर ली। अब हम अपनी आखिरी लाइन में आते हैं, चौथी लाइन में, तो यहाँ पे भी डॉट लगा हुआ है तो अब हमने इसको शाबाश थ्री मुकम्मल करना है। डॉट पे पेंसिल को रखना है, इस तरह लिखना है थ्री, डॉट पे पेंसिल को, ये क्या है थ्री, ऐसे आपने गोल करके वहाँ से नीचे से भी गोल करके लिखना है थ्री, वेरी गुड। थ्री क्या लिखा है, थ्री क्या राइट कर रहे हैं बच्चों, थ्री क्या राइट कर रहे हैं, थ्री ये हम क्या राइट कर रहे हैं, थ्री। बच्चों हमारा ये कॉलम मुकम्मल हो गया है, इसमें हमने क्या लिखा है, थ्री। आज का डिजिट हमारा क्या है, थ्री। हमने थ्री पढ़ा भी है और लिख भी लिया है। तो अब हम कलर की तरफ आते हैं, देखते हैं टर्टल में कौन सा कलर करते हैं। ये ब्राउन कलर लिया हमने, सबसे पहले आपने इसकी आउटलाइन करनी है, ठीक है। ये जो इसकी टांगे हैं और मुंह है ये हमने ब्राउन कलर में करना है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, कलर आपने बाहर नहीं निकालने, प्यारे प्यारे करके कलर करने हैं आपने, शाबाश, वेरी गुड। बच्चों ये पानी में उतरता है और जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपनी टांगे और फेस इधर अंदर छुपा लेता है। हाँ जी, ये इसके ऊपर ढाल बनी हुई है, इसको इसके अंदर अपने आप को ये महफूज कर लेता है, ठीक है। अब हम ग्रीन कलर करेंगे, तो चलिए बच्चों अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से में कलर करते हैं, शाबाश। सबसे पहले आपने आउटलाइन करनी है, जब आप ये लाइन आउटलाइन मुकम्मल करते हैं ना तो आपका कलर बाहर नहीं निकलता, ठीक है, और आपने अप डाउन कलर करना है, क्या करना है, अप डाउन कलर करना है, शाबाश, वेरी गुड। अब हम अपने
दूसरे कार्टन में आते हैं, इसमें कलर करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले आपने आउटलाइन कर ली, तो फिर आपने अप डाउन कलर करना है, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। अब हम तीसरे टर्टल में आते हैं, वेरी गुड। आपने आउटलाइन सबसे पहले करनी है, फिर आपने अप डाउन कलर करना है, ताकि आपका कलर बाहर भी ना निकले और प्यारा प्यारा कलर हो। शाबाश। इस तरह हमारे तीनों टर्टल्स में कलर मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है? अब हमने कौन से कलर्स किए हैं, ग्रीन किया है और ब्राउन कलर किया है, ठीक है? तो ये अब हमारा कलर मुकम्मल हो गया है। तो अब हम अपना लिखने की तरफ आते हैं, नोटबुक की तरफ आते हैं, ठीक है? तो देखते हैं नोटबुक पे आज हमारा क्या राइट करना है। पेंसिल हाथ में पकड़े, शाबाश। नोटबुक भी खोले, सामने रखें, और ये हमारा थ्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थ्री। क्या लिखा हुआ है? थ्री। क्या लिखा हुआ है? थ्री। शाबाश। आपने सबसे पहले ये जो डॉट लगा हुआ है इसके ऊपर लिखना है ऐसे, ये थ्री, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। इस तरह हमने थ्री लिखना है, डॉट पे रखना है पेंसिल को, इस तरह गोल करना है, फिर हम नीचे से गोल करेंगे तो हमारा थ्री लिखा जाएगा, ऐसे, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, ठीक लिख रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे डॉट रखना है, ऐसे गोल करना है, फिर ऐसे। इस तरह हमारा थ्री का पहला कॉलम मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं, शाबाश। ऐसे गोल करके नीचे से भी गोल करना है तो आपका थ्री बन जाएगा, वेरी गुड। ये क्या है? थ्री। क्या राइट कर रहे हैं बच्चों? साथ साथ आपने पढ़ना भी है, लिखते टाइम पे जो लिख रहे हैं वो पढ़ना भी आपने। क्या लिख रहे हैं? जैसे थ्री, क्या लिख रही हूँ मैं? थ्री। क्या लिख रही हूँ? थ्री। क्या लिख रही हूँ? थ्री। शाबाश। इस तरह बच्चों हमारा ये होमवर्क मुकम्मल हो गया। आपने भी प्यारा प्यारा करके लिखना है, क्योंकि ये आपका काम चेक होना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका काम। तो अपना ख्याल रखना है। अस्सलामु अलैकुम।